Ladies and gentlemen, may I request you to please rise as Honorable Chief Guest, His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan, and Trustee of the Republic. Of the year 2017 and beyond with remembrance to Allah Almighty, and as such I request Qari Mashhoodur Rahman to recite a few verses from Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Sir Zia Mustafa to declare the convocation ceremony open. I, as President of ICMA Pakistan, under the powers vested upon me under CMA Act 1966, hereby declare the convocation open. I am thankful to Honorable President of Pakistan, Mr. Arif Alvi, to join us today. And it is a matter of immense pleasure for all of you that you are receiving your degree from His Excellence Dr. Arif Alvi, President of Pakistan. Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan. It is my pleasant duty to propose a vote of thanks to our Honorable Chief Guest, His Excellency Dr. Arif Alvi Sahab, the President of the Islamic Republic of Pakistan. Sir, for your gracious presence at the convocation of ICMA Pakistan for the graduates. Sir, we are indebted and honored for accepting our invitation to grace the occasion with your presence despite your preoccupations. May I now request our Honorable Chief Guest, His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan, to share his kind remarks on this memorable day with our guests. मोहतरम ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, प्रेसिडेंट ICMA पाकिस्तान, जनाब शहजाद अहमद मलिक साहब, ऑनरी सेक्रेटरी ICMA पाकिस्तान, तुलबा जिन्होंने आज ग्रेजुएट किया, उनके माँ बाप, डिस्टिंग्विश गेस्ट, ख्वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम।
मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं ऐसे मौक़ों पर हाजिर हूँ जिसके अंदर हमारे नौजवान अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल करके मैदान में निकल रहे हैं और वो सर्टिफिकेशन ले रहे हैं जिस इदारे से भी उन्होंने ग्रेजुएट किया हो। और इसके अंदर सबसे पहली बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ इन नौजवानों को वो ये कि आपकी मेहनत और आपने इल्म हासिल किया, मगर उस मेहनत को फैसिलिटेट जिसने किया उसके अंदर सबसे बड़ा मुकाम आपके वालिदैन का है और आपको हमें अच्छे अखलाक सिखाए, बहुत सारे वालिदैन ने फाइनेंशियली आपकी मदद की और इस काबिल बनाया कि आप जाएं और माशरे में अपनी रोज़ी कमाएं। फिर जब आप अपनी रोज़ी कमाने निकलते हैं तो फिर वो जिम्मेदारियां और वो एहसानात जो आपके ऊपर हुए हैं तो उन एहसानात का बदला भी चुकाते हैं। वो एहसानात अपने कुर्ब के अंदर अपने ख़ानदान के साथ शुरू होता है होते हैं, फिर उसके बाद माशरे की बात खान जिस कम्युनिटी में जिस गांव में जहां आप रहते रहे हैं वहां, और फिर कौम की बात। ये ऐसा ना जितना भी आपकी तालीम पर खर्च हुआ उसके अंदर एक नेशनल कंट्रीब्यूशन भी है, उसके अंदर माँ बाप का कंट्रीब्यूशन भी है, उसके अंदर उन इदारों का कंट्रीब्यूशन है जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ कि मोहम्मद शुएब साहब ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के एतबार से जो लीडरशिप प्रोवाइड की वो इंस्टीट्यूशंस बने। तो सारी कौम का आपके ऊपर एक बोझ है और इस ये बोझ कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कोई खास मेहनत करनी है। अपनी जस्तजू जारी रखें, अपनी मेहनतें जारी रखें और उन मेहनतों के अंदर इसका रास्ता भी आपको मिलेगा कि आप क्या करें। आप वो पॉलिसीज कंपनीज की, वो पॉलिसीज आप सब नौकरी पेशा हैं नौकरियों में लगेंगे, कंपनीज की पॉलिसीज के ऊपर नज़र रखें। जो डिप्राइव क्लासेस हैं उनको मौका दें, खवातीन को मौका दें कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट के एतबार से एनकरेज करें जिस अंदाज से भी एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। खवातीन अगर हिस्सा नहीं बनेगी पूरे माशरे की उठान के अंदर तो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। डिसेबल्ड का ख्याल रखें, जो जो डिप्राइव क्लासेस हैं अपनी जिंदगियों के अंदर और कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर उसका आप ख्याल रखें। ये है जिसकी जिसमें अल्लाह की बरकत आती है। तो लिहाजा मुझे पूरा यकीन है आपसे इस गुफ्तगू के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने जिस रास्ते पर अब इस कौम को डाल दिया है इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कौम दुनिया के अंदर मुकाम पाएगा, दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी अहमियत होगी और मुसलमान उम्मा की जो क़यादत है वो इकबाल के मुताबिक इसी कौम के हाथ में आएगी इंशाअल्लाह।